रहमी स्टूडेंट साई होपूट बी फाइन थैंक यू सिलेबस बुक टू आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर फोर एक्सपेंशन एंडेशन ऑफ अल्जरेश जब भी नाम आता है बच्चों के चेहरों पर पता नहीं क्यों खौफ सवार हो जाता है आज हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एल्चप्रा के अंदर और हम डिटेल के अंदर चले जाएंगे ठीक है तो वीडियो आज तक देखिएगा स्किप मत कीजिएगा अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अगर आप मुझसे ग्रुप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो हम बात स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और वो ये है कि जैसे कि हमने अर्थमेटिक के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के बारे में बात की है और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं दो नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट uh, करते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास अननोन क्वांटिटीज आ जाए वेरिएबल्स आ जाए तो हम वहां पर उसको एल्जब्रा के अंदर डील करते हैं तो हम वहां पर बात करते हैं स्टार्ट से लीनियर इक्वेजन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर क्यूबिक इक्वेश ठीक है तो अब आपने ग्रेड सिक्स के अंदर लीनियर इक्वेशन की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन अच्छा मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की जब बात आती है तो वहां पर हम एल्ज्रा के अंदर, जब इक्वेशंस को expressions को एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए वर्ड एक्सपेंशन यूज करते हैं बेसिकली इसका मतलब होता है दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना ठीक है और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है इसको फैक्टर्स में तोड़ देना यानी कि डिवाइड कर देना एक टर्म आपके पास कौन सी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बनी है वो आपको पता लगाना होता है जैसे कि हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं वहां पर हम उसको तोड़ देते हैं फैक्टर्स में कि बताइए यहां पर हमारे पास कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर रूट हमारे पास आया था फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अगर नंबर फोर है तो ये किसका स्क्वायर रूट है हम कहेंगे टू यानी इसकी बेस टू है कि अगर हम टू को टू से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास फोर आता है तो ये फैक्टराइज करना होता है ठीक है अच्छा अब अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है तो हमने सबसे पहले ये देख लिया था कि अगर मेरे पास कहीं पर भी कोई इस तरह से अ एक्सप्रेशन लिखी होती है जिसके अंदर मेरे पास वेरिएबल्स भी हैं मेरे पास कोफिशंट्स uh, भी हैं मेरे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स भी हैं और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के भी हैं तो हम यहाँ पर इसको कहते थे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाती है ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर हमारे पास एक्स वाई ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं फिर हमारे पास इसके अंदर एक्स के साथ एक्स वाई के साथ वाई के साथ ये जो नंबर्स लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या होते हैं ये हमारे पास कोफिशियंट होते हैं अगर किसी वेरिएबल से पहले कोई नंबर ना हो तो वहां पर कोफिशियंट क्या होता है वन होता है और फिर जो नंबर हमारे पास बिल्कुल अकेला होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट है ठीक है तो ये सारी बातें हम ग्रेड सिक्स के अंदर अच्छी तरह से याद करके आ चुके हैं और उसके बाद फिर टर्म्स की जब बारी आती है तो हम कहते हैं कि जहां आपके पास प्लस या माइनस का साइन आया वहीं पर वो अपने साथ वाली जो भी वेरिएबल्स या आपके पास नंबर्स हैं वो उसको एक टर्म बना देता है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इज अ टर्म उसके बाद माइनस थ्री एक्स वाई अब यहाँ पर एक्स वाई और थ्री के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो ये एक टर्म है पूरी इसी तरह से फोर अपॉइन थ्री वाई ये कभी कभी फ्रैक्शंस में भी आ सकती है आपके पास पॉजिटिव भी 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 हो सकती है, भी हो सकती सकती है, है। नेगेटिव तो आपके पास एक टर्म है और फिर माइनस सेवन आपके पास एक और टर्म है ठीक है, है तो ये हो गई हमारे पास एक एक्सप्रेशन और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो वन हो तो हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन क्या लीनियर एक्सप्रेशन अच्छा एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर भी क्या डिफरेंस होता है तो छोटा सा नाइनवर्स डिफरेंस है कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन विदाउट इज इक्वल्स टू के साइन के साथ है तो वो एक एक्सप्रेशन होती है और जहां पर हमारे पास इज इक्वल्स टू के बाद कोई नंबर आ जाए जीरो आ जाए तो वहां पर ये इक्वेशन बन जाती है यानी कि हम उसको इक्वेट कर रहे होते हैं इक्वल्स टू के साइन को डालकर ठीक है अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी तो इसके अंदर हमने एडिशन सब्ट्रेक्शन और मल्टीप्लीकेशन डिविजन सीखा था क्या मतलब इस बात का हमने इस चीज को अच्छी तरह से जान लिया था कि अगर हमारे पास लाइव like टर्म्स होंगी तो वो एडअप हो सकती है कैसे एडअप हो सकती है अब लाइक like टर्म का मतलब क्या है सेम वेरिएबल विथ सेम पावर्स ठीक है तो आप छोटी छोटी चीजों को यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं लाइक like टर्म्स किसको कहते हैं सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर्स और एडिशन और सब्ट्रेक्शन के लिए हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हो वो सेम हो यानी हमारे पास लाइक like टर्म्स होंगी तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वरना हम उनको ऐड सब्ट नहीं कर सकते तो ये एक्स प्लस फोर एक्स को हम क्या करेंगे फोर प्लस वन फाइव और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो अगर मेरे पास है टू एक्स माइनस थ्री एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई अब यहाँ पर टू एक्स है और यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई तो ये दोनों को मेरे पास लाइक टर्म्स हैं लेकिन ये मेरे पास अनलाइक टर्म ऑफ एक्स वाई है तो ये हमारे पास सिंगल ही रहेगी लेकिन

हमारे पास दो टर्म्स होंगी तो हमने क्या करना है उन दो टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देना है यानी उनके बीच में से मल्टीप्लीकेशन का साइन रिमूव कर देना है और अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वेरिएबल के साथ कोफिशेंट भी हो तो हमने क्या करना है उन कोफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है अच्छा जी उसके बाद आ जाती है हमारे पास बात फैक्टराइजेशन की इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन जब एक्सपेंशन की बात आती है तो एक्सपेंशन के अंदर हम यहाँ पर एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और कभी कभी हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर थ्री एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट के ऊपर ठीक है जैसे टू प्लस फोर अब यहां पर क्या होगा यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल बाहर है उसके अंदर वो दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर हम यहाँ पर अलग अलग टर्म्स के अंदर डिवाइड कर देंगे इसको कहते हैं एक्सपेंशन एक्सपेंड कर देना मल्टीप्लाई कर देना तो थ्री टू जार सिक्स एक्स एज सिक, एस प्लस थ्री फोर जार ट्वेल्व वाई एज इज ठीक है इसी तरह से कभी कभी दो एक्सप्रेशन भी एक साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है थ्री एक्स प्लस वाई या थ्री एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वाय प्लस फोर ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते थे सिंपली कि हम पहले फर्स्ट टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम क्या करेंगे प्लस टू करके वाई प्लस फोर करेंगे और हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर बारी बारी जो आंसर आएंगे फिर हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे ठीक है उसके बाद हमने सीखा था फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट गिवन है और आपने रिवर्स वर्किंग करके उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं जैसा कि जब हम नंबर्स के फैक्टराइजेशन करते थे तो वहां पर हम क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे ना मुझे अगर ट्वेल्व के फैक्टर्स मालूम करने तो मैं क्या करूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्वेल्व के फैक्टर्स मालूम कर लूंगी ठीक है तो ये क्या करते थे हम यहाँ पर इसको फैक्टर्स के अंदर तोड़ देते थे ये पता लगाने की कोशिश करते थे यानी ट्वेल्व को अगर मैं एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो क्या करूंगी टू टू जार फोर इन थ्री यानी ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर एक टर्म है फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स प्लस ठीक है अब मैं इसको अगर यहाँ पर यह पता लगाना चाह रही हूँ कि मेरे पास इसके फैक्टर्स क्या होंगे तो मैं सिंपली क्या करूंगी इनमें से कॉमन टर्म्स को सेपरेट कर दूंगी ठीक है एक्स को मैंने यहाँ पर किया और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया थ्री प्लस सिक्स प्लस फाइव ठीक है और ये मेरे पास चलिए हम यहाँ पर एक जगह पर बाई ले लेते ले हैं तो ये क्या हो जाएगा सिक्स वाई ठीक है अब ये देखिए एक्स थ्री प्लस फाइव इज इक्वल्स टू एट तो ये बन जाएगा सिक्स वाई प्लस ए ये मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए एक सिंगल टर्म है और एक मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है ठीक है तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए x और सिक्स एक्स सिक्स वाई प्लस एट यानी मैं x को मल्टीप्लाई करूं सिक्स वाई प्लस एट के साथ तो मेरे पास ये आंसर आता है ठीक है यहां से स्टार्ट करके अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये होती है एक्सपेंशन और अगर एक एक्सप्रेशन को हम उसके फैक्टर्स में तोड़ देते हैं तो ये कहलाती है अभी तक हमने ये सारी चीजें जो की थी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये सारी चीजें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की थी यहाँ पर हमारे पास पावर जो होती थी वो वन होती थी वेरिएबल की अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बस जिस तरह से हम uh, कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह से हमने को भी एड या सब्ट्रैक्ट करना है पर हमने यही देखना है, जो like है उसको हम कंबाइन करेंगे और एड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रूल्स हमने वहां पर लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर सीखे थे वही ही यहाँ पर भी अप्लाई होंगे एक्स स्क् प्लस माइनस माइनस इट वुलर्न आउट टू बी एक्स स्क्वाइनस एक्स स्क् लाइक टर्म्स है दोनों तो वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर रुपए दी आंसर सिमिलरली माइनस थर्टीन वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर दोनों लाइक like टर्म्स है आप क्या करेंगे माइनस थर्टीन प्लस थ्री आपका आंसर आएगा माइनस टेन वाई स्क्वायर इसी तरह से अब आपके पास दो डिफरेंट लाइक टर्म्स भी हो सकती हैं माइनस इलेवन डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू uh, माइनस ट्वेल्व डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस थ्री एक्स वाई तो यहाँ पर एक्स वाई को आप अलग डील करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर को आप अलग डील करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टूट थ्री डब्ल्यू स्क्वायर साइन ग्रेटर नंबर की लग जाएगी और फिर माइनस Minus XY minus minus 3 XY, तो minus minus, और आपका आपके पास जो है वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म्स के साथ साथ आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को अलग डील करेंगे और आप जो टर्म्स है उसको अलग डील करेंगे ठीक है प्लस थ्री माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस फोर ये हमारा सॉल्व हो गया बाकी माइनस प्लस माइनस आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस टेन एक्स स्क्वायर ठीक है उसके बाद देखिए आपके पास मोर देन टू भी आपके पास अनलाइक टर्म्स हो सकती हैं आपने सबसे पहले इनको कंबाइन करना है तो सिक्सटीन एच स्क्वायर के साथ कौन सा कंबाइन होगा थ्री एच स्क्वायर ठीक है उसके बाद माइनस माइनस प्लस फाइव के स्क्वायर के साथ कौन सा कंबाइन होगा प्लस माइनस के स्क्वायर दैट इज माइनस के स्क्वायर उसके बाद माइनस एटीन एच के साथ कौन सा कंबाइन होगा के एच याद रखिए एच के इज इक्वल टू के एच ए बी इज इक्वल ठीक है इसके अंदर हमें ये रूल पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमसे कहती है कि ऑर्डर ऑफ टर्म्स हमें मैटर नहीं करती हमारे पास आंसर हमेशा सेम आएगा ठीक है तो हम यहाँ पर इन दोनों को भी कंबाइन कर देंगे माइनस एटीन एच के को आप प्लस एच के लिखे इट्स अप टू यू फिर अब आप इन दोनों को कंबाइन करके ऐड कर सिक्सटीन प्लस फिर प्लस के फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर और उसके बाद माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की माइनस थ्री एच के इज ठीक है बस यहाँ पर भी सेम वही है रूल्स जो है वही रहेंगे सिर्फ क्या है कि अपग्रेड हो गया लीनियर इक्वेशन से आपके पास क्वारिक्स आ गई है

के साथ एक वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं ठीक है ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होता है ए बी ठीक है अगर मेरे पास यहाँ पर ए की पावर ओ टू और बी बी के बजाय मेरे पास यहीं पर ए आ जाए अब क्या करें तो यहां पर लॉ ऑफ अप्लाई होते हैं और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स नोटेशन के अंदर क्या मतलब होता है इसका कि अगर आपके पास सेम क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है तो वहां पर क्या होता है उसकी पावर्स ऐड हो जाती है ये चीज तो हमने यहाँ पर डिटेल से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर और जब हम इंडेक्स नोटेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ग्रेड सिक्स के अंदर सीख लिया था ना वन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय वन कितने वन जे थ्री वन जे तो वन की पावर क्यूब हो जाती है ई बै टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू इसके अंदर क्या होगा टू की पावर फोर हो जाएगी ठीक है थ्री मल्टीप्लाई बै थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बै थ्री मल्टीप्लाई बै थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री जितने फ्रीज होंगे उसकी पावर वही हो जाती है तो ये लॉ ऑफ के अंदर आता है कि जब एक बेस बार 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 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है तो वही उसकी पावर में हम लिख देते हैं इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन में जो है वो एक्सप्रेस करना तो यही सेम काम हमारे पास वेरिएबल्स बस के साथ भी होता है अगर मेरे पास है ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय जितने एज हैं उसकी पावर यहाँ पर आ जाएगी ए फोर ठीक है इसी तरह से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी अब यहाँ पर बेस तो सबकी सेम है ना बी 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 क्या करेंगे सारी पावर्स को ऐड कर देंगे टू प्लस टू प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव ये क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास फिफ्टीन तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी रेस टू पावर फिफ्टीन अब यहाँ पर ये यह मसला तो है नहीं जैसे कि हमारे पास एडिशन के अंदर होता है कि बी प्लस बी फोर होगा तो ये हमारे पास एड नहीं हो सकता वहां पर लाइक like टर्म्स जरूरी होते हैं यहाँ पर लाइक like टर्म्स के कोई मसला ही नहीं यहाँ पर तो सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होता है सिंपली जो पावर्स है वो एड हो जाती है ठीक है तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए जब करेंगे आप तो आपकी पावर ए क्यूब आ जाएगी दैट्स इट बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास सेम वेरिएबल्स आएंगे बेशक वो दो टर्म्स के अंदर हो दो एक्सप्रेशंस के अंदर हो एक टर्म और एक एक्सप्रेशन के अंदर हो सेम आपके पास यहाँ पर जो रूल है वो अप्लाई होगा ठीक है तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से यानी तीनों टर्म्स डिफरेंट है तो क्या होगा ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ फिर प्लस प्लस या प्लस माइनस वट एवर इट इज साइन आपके पास मल्टीप्लाई होगी और फिर आप ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है अब अगर इसी तरह से आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी तो क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा ए बी ठीक है तो ये इसी तरह से आपने यहां पर देखना है इसी तरह अगर आपके पास कोई साइन बाहर नेगेटिव की है और अंदर आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई और अगर आपके पास अंदर भी नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई ठीक है तो ये कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपको मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करने हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस तो क्या होगा टू मल्टीप्लाई बायल इज इक्वल टू टेन और इसी तरह से अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं a प्लस बी और a माइनस बी इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर भी हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे एक एक टर्म को उठाएंगे

कुछ एलजब्रा की मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटीज बन जाती हैं क्या बन जाती हैं आइडेंटिटीज का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ए प्लस बी है और मैं उसको ए प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करूं यानी ए प्लस बी का मैं स्क्वायर कर दूं ठीक है यानी जैसे हम करते थे ना टू मल्टीप्लाई बाय टू इसका मतलब क्या है टू स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय ए इसका क्या मतलब है ए स्क्वायर इसी तरह से ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है तो इसका क्या मतलब ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर तो इसकी हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है कैसे बनती है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं देखिए यहाँ पर क्या होगा ये ए हमने पहली टर्म को उठाया और पूरे नेक्स्ट ब्रैकेट को हमने लिख दिया इसी तरह से फिर सेकंड टर्म को हमने उठाया और फिर पूरे ब्रैकेट को हमने लिख दिया तो ये कैसे होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ए बी प्लस ए बी दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आपके पास बन गई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो इसको आप एज एन आइडेंटिटी याद रख सकते हैं कि ए प्लस बी अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही हैं किस तरह से कि एक आपके पास एक्सप्रेशन है ए प्लस बी और वो सेम एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर ये भी एक आइडेंटिटी है और आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है और इसी तरह से हमारे पास है कि अगर ए प्लस बी है यानी एक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव यानी कि दोनों ऐड हो रही हैं और दूसरी तरफ वही दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसकी भी आइडेंटिटी हमारे पास बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसको अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया आपने देखा कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी आपने देखा ना यहाँ पर कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है एक में दोनों टर्म्स प्लस हो रही है एक में दोनों वही टर्म्स माइनस हो रही है तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और याद रखो टू माइनस टू भी जीरो होता है माइनस टू प्लस बी भी जीरो होता है तो ए बी प्लस ए बी ए बी बनता है लेकिन माइनस ए बी प्लस ए बी क्या होगा कट डाउन हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हमारे पास इस तरह से आइडेंटिटीज आती हैं जब हम एक एक्सप्रेशन को अपने आप से यानी सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अगर हम सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई ना कर रहे हो तो वहां पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रही होती है और अगर हम सेम एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पर हमारे पास आइडेंटिटीज भी अप्लाई हो जाती है ठीक है अभी तक हमने जितनी एक्सपेंशन की चीजें पढ़ी हैं उसको हम यहाँ पर सम अप करते हैं एक्साम्पल से समझते हैं यहां पर देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं फिर एक टर्म है जो एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और फिर एक यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है अब क्या करना है हमने हमने बॉर्ड मार्स के रूल के तहत सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो दो एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व हो रही हैं तो हम फर्स्ट टर्म को उठाएंगे 3X को और सेकंड ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है फिर हम सेकंड टर्म को उठाएंगे माइनस और फिर हम सेम काम यहाँ पर करेंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दूसरी तरफ आपके पास माइनस फाइव एक्स है जो एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे सॉरी uh, आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस फाइव एक्स पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर यही माइनस फाइव एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है उसके बाद उसके बाद बारी आती है हमारे पास प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है और हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे दैट इज एम माइनस बी टू द होल स्क्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है और मैंने ये आपको बता दिया कि आइडेंटिटी ये कैसे अप्लाई होती है यहाँ पर देखो हमारे पास ए क्या है एक्स है फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास क्या है आप इसको इस तरह से लिखो ये ए स्क्वायर बन गया माइनस बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा माइनस टू ए क्या है हमारे पास एक्स है बी क्या है हमारे पास वाई है फिर देखो प्लस का साइन है फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर हम बाई की वैल्यू रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे अब इस पूरी एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं देखिए माइनस प्लस माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू इंटू फोर एट ठीक है ये हमारे पास पूरा ब्रैकेट इस तरह से Open हो गया है अब हमने इसकी लाइक like टर्म्स को कंबाइन करना है उसके बाद फिर ठीक है ये भी सोल्व हो गया फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वाइनस टू एक्स वाई प्लस वाई ये हो गया हमारे पास यहाँ पर अब चलिए आगे बढ़ते थ्री एक्स एज इट इज फिर प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व माइनस टू इज इक्वल टू टेन साइन ग्रेटर नंबर की प्लस टेन एक्स माइनस एट एज इट इज ठीक है ये पूरा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया उसके बाद माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस अब ये वाला ब्रैकेट भी हमारे पास कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है इसको भी हम ओपन कर देते हैं प्लस ठीक है ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है अब हमने क्या करना है लास्ट स्टेप के कंबाइनिंग ऑफ दी लाइक टर्म्स और उसके बाद फिर हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर के साथ इसकी लाइक टर्म कहाँ है एक्स स्क्वायर को ढूंढिए ये रहा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर उसके बाद फिर मजीद प्लस एक्स स्क्वायर यह हमने सारी कंबाइन कर दी लाइक लाइट ठीक है उसके बाद बात करते हैं टेन एक्स की तो प्लस टेन एक्स टेन एक्स के बाद दूसरी एक्स की वैल्यू कौन सी है माइनस फिफ्टीन एक्स और उसके बाद फिर हमारे पास कोई और एक्स की वैल्यू नहीं है उसके बाद हमारे पास बचा माइनस एट एक्स भी हो चुका माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई हमने लिख दिया इसका भी कोई लाइक like टर्म नहीं है प्लस वाई स्क्वायर की भी कोई लाइक like टर्म नहीं है और आखिर में हम कॉन्स्टेंट लिख देंगे 8. अब देखिए हम सारी टर्म्स को सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं लाइक like टर्म्स को हम ऐड करेंगे एंड दिस इज फाइनल आंसर थ्री माइनस फाइव दैट इज माइनस टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू साइन ग्रेटर नंबर की माइनस टू माइनस प्लस माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू वन साइन ग्रेटर नंबर की माइनस तो माइनस वन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है फिर प्लस टेन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स लाइक टर्म्स है तो टेन माइनस फिफ्टीन क्या आंसर आएगा माइनस फाइव एक्स फिर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट आप चाहे तो वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस टू एक्स वाई फिर माइनस फाइव एक्स माइनस एट ये आपके ऊपर और ये आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पर